आज का किस्सा है राजा पवन कर मत अंजना का। सारे का राजा पवन पवन और दिव्य रंग के तड़े काले थे, पर उस टाइम पूछने चार लड़ाई जीती थी। तब मत अंजना ने मन में याद आ रही थी कि मेरा पति देव हो तो वो राजा पवन हो, और वह कहानी हो भी गई। छोटी बात के कारण उनकी तकरार होगी। जब वरमाला का टाइम था तो उसकी सखी सहेलिया ने बोली मार दी कि आए यो काला है, अरे तू सुतरी है, थरी जोड़ी का मेल खाया कौन है। यह बात राजा पवन के भीतर ले मुलागी, ब्याह का चलिया गया, जाती है दसोटा दे दिया 12 साल का के सफेद बाने मर होगी 12 साल। बात जब की है, जब उस जिस टाइम उसका बुखार हो रहा था माता जना गए, तो उसकी सखी सहेली पूछे जाके कि आए बोले इतना पवन की याद नहीं आती। तो उस टाइम पूछना मर्द जात नफरत हो जाए कि एक है माता जना ने बोली बोले ये मर्द किसे के ना होते के है। बोली मैं जब भी याद करूँ हूँ उसने मेरा गात नवाई हो से, और बिना खोट के मारे चोटियों मर्द कसाई हो से। बोले सखी सहेली कह होने लगी तू अंजना सियाणी होगी, मन में सोचा वर मिल गया तू पवन की रानी होगी, बिना खोट के मिला दसोटा वह पानी पानी होगी, और धोला बाणा बास हाथ में वह काग उडानी होगी, बिना बात के बहम पालन की ना कोई दवाई हो से, और बिना खोट के मारे चोटियों मर्द कसाई हो से। न्यू बोली बोले इसकी गलती ना है, बोले माता ही ले गया अल्लाह की कहानी करी थी गौतम ऋषि ने, बोले उसकी के कोई गलती थी। बोले श्री राम जी या ना कवा सामृत करी थी, पत्थर की होगी थी गलती मांगे थी। तो न्यू बताया कि माता ही लिया जो थी गौतम ऋषि ने शराब दिया था कि तू पत्थर की हो जाएगी। इंद्र भेष बदल का आ गया था, उसने मतलब गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया था, तो मतलब जो अनर्थ वनर्थ होना था वो हो गया था। कहने का मतलब ये है कि सुनिएगा कि अहिल्या की गलती नहीं थी, गौतम ने क्यों शराब दिया। भेष बदल के इंद्र आ गया, सारा पाप उसने किया, हाथ जोड़ के गलती मांगे माफी दे दो मेरे पिया, थोड़ पड़ी वापस होगी। श्री राम का जाप किया, ससन उठे पाछे किसे की ना कोई गवाही हो से, और बिना खोट के मारे चोटियों मर्द कसाई हो से। शराब दे दिया तो वो दे दिया, भुगतना पड़ा। तो उस टाइम पर मुर्गे मर गए थे भी नहीं है, बताओ शराब मिला था वो 4 बजे का टाइम, मुर्गा भी गलत बोल गया था, चांद देवता भी समय था पहले लकड़िया था, और वो रूप बदल रहा था। जब उसने देखा आवाज हुई आकाशवाणी हुई तो वो वापिस आया, तो उसने देखा को हो तो अहिल्या ने गलत कर दिया। हाँ, तीसरे नंबर पर क्या है कि विश्वामित्र की तपस्या भंग करण खातर इंद्र ने मेनका भेज दी, और उसने वह तपस्या भंग कर दी। भंग कर दी तो इंद्र का बुलावा आ गया मेनका दौरे कि तू आ जा। वहा न्यूबली बोले मैं आ ना सकती क्योंकि मैं गर्भ होती हूँ, गर्भवती का मतलब जा ना सके थी इंद्र के पाले में। बोले ठीक है तो बच्चे ने जन्म देती है आज ये, तो उसका एक लड़की हुई थी उसका नाम था शकुंतला। वह जब पैदा हुई तो उसने जंगल में नहीं कि नहीं छोड़ के मेहनत कर चली गई। आगे तक कणव ऋषि का आना हो गया, उसने उसका लालन पालन कराया, वह बड्डी होगी जवान होगी। एक भाई इसी कहानी हुई कि कणव का जाना हो गया, राजा दुष्यंत का आना हो गया, तो उस टाइम पर गंधर्व विवाह होया करते, गुट्ठी दे दी, कटार दे दी, और कम दे दिया, मतलब निशानी दे देते कुछ भी, तो ब्याह हो जाया करता, वह मान्य होया करता। तो उसने गुट्ठी दे दी, ब्याह कर लिया। वह इसी कहानी होगी, वह गुट्ठी होगी, गुट्ठी को यह पाछ जब वो उसके महल में गई तब छैण नाट के बोले ये मर्दी से हो के कहे। बोले कुटिया के बाहर बैठी शकुंतला, कणव का जाना हो गया, अरावा के झोंकेगी दरिया, दुष्यंत का आना हो गया, देख गुट्ठी प्रेम निशानी उनका ब्याहना सियाना हो गया, और गुट्ठी खोए पक्ष उसका दूर ठिकाना हो गया, कोने जानता चली जाए अड़े थे उसकी हर बात सवाई हो से, और बिना खोट के मारे चोटियों मर्द कसाई हो से। न्यू बोली बोले आए दुनिया के सारे मर्दा में खोट काट दिया तन जी जी, कोई भी ऐसा नहीं टकराया। बोली एक है ब्याह तो ना कराता, बोले कोई नाम पता भी होगा। बोले तो सुन, बोले सुबह उठ के भजन करा वो हर हर गंगे गाता, सारे गांव में रुका पाट गया वो कोने ब्याह कराता,
बेरीत ऐसा पहला काम जो रोहतक रोड पाता अर कमल सिंह यो कोछी आला कति नहीं मना पाता ना ले कह रिश्ता बामण जाता ना गैला ना आई हो स अर बिना खोट के मारे चोटियो मर्द कसाई हो स भाई तगाजे तो पांचवा पार्ट लेकर आवांगे चौथा पार्ट था प्यार प्रेम बनाई राखियो मेरे भाई अच्छी बात लाग गया तो सपोर्ट करियो शेयर करियो सब्सक्राइब करियो चैनल ने राम राम जी सा ज्ञान हूँ साई लिख दिया हमरे भाई ये तो बड़े ज्ञानी तो सा कौन पर तारा प्यार प्रेम बनया रहो राम राम।